नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल राइजिंग रुद्र टीवी। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले के एक ऐतिहासिक गांव जिसका नाम है जुंडला, और जो कि 1947 से पहले मुस्लिम रांगड़ों का एक मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड इस एरिया में हुआ करता था। वहां पर बनी हुई एक प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद आज मैं आपको दिखाने लेकर आया हूँ, और जानते हैं इस मस्जिद से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें जो शायद आज तक आपने न कभी सुनी हो। ये देखिए मेरे पीछे ये मस्जिद, इसका रंग रोगन देखकर ये ना सोचें ये रंग रोगन और ये पत्थर वगैरह कि ये नई है, ये नई नहीं है, ये सब बाद में है। टाइम टू टाइम इसको रिपेयर वगैरह सब होता रहता है, और ये इसका जो पत्थर है ये तभी का है, ये तभी का मरीज ये बाद का है, ये तभी का है। इसमें हालांकि शाही वगैरह से वो दोबारा हुआ हो, हाँ, ताकि ये चमक बनी रहे इसके राइटिंग की, लेकिन इस पर जो जानकारी है वो तभी की है। सन कौन सा लिखा है? 1922 की ये मस्जिद है। मीडियम साइज कह सकते हैं इसे, बड़ी नहीं है। अब तो इसमें गेट इसके जो शीशे के कर दिए हैं चेंज हो गए हैं। पहले कैसे गेट हुआ करते थे, कैसे थे? खाली था। हाँ, लकड़ी के भी नहीं थे। और दीवारें वही हैं अंदर, चूने से बनी हुई और या फिर ईंट की गारा से और छोटी ईंटों का, ठीक है। ये है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे मिनी गेट हैं। अब हम आपको अंदर लेकर इसमें दिखाते हैं। आइए मौलवी जी। हाँ मौलवी जी, एक चीज़ और बताइए, क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हमें एक बार पढ़ के बताइए। ये लिखा हुआ किताब तारीख मस्जिद तामीर करदा शेख कसाबान साहब। शेख कसा कसाबान, ये कहाँ के, कुछ कोई जानकारी इनके बारे में? कुरैशी जो हाँ, होते हैं हमारे। हाँ, अच्छा, उनको सबको इकट्ठा हाँ, करके बोल रहे हैं उनको कसाब कहते हैं। तो ये कुरैशियों की मस्जिद थी एक तरीके से? जी, ये कुरैशियों की थी। तो हमारे कुरैशियों का भी मोहल्ला था? जी, ये कुरैशियों का मोहल्ला था पूरा जुंडला में। जी, और काफी बड़ी तादाद थी। जी, ठीक है, आगे। ये है शेख कसाबान मस्जिद कर्द तैयार पेश खुद भी गुफ्त शोक साल उमरश मस्जिद रमजान। जी, आप इस मंदिर इसकी मस्जिद की खिदमत में कब से हैं, कितने साल से हैं? 15 साल हो गए। 15 साल से आप ही खिदमत कर रहे हैं और आपका परिवार। उससे पहले कौन था इसकी खिदमत में? उससे पहले एक हकीम अख्तर साहब थे, वे अब 18 साल रहे, वो भी वो कहीं और चले गए। जी जी, अच्छा। वो एक चीज देखिए, दीवार कितनी मोटी है यहाँ से लगेगी, और दरवाजे के भी बाहर सर मुझे लगता है 1.5 मीटर है, 3-4 फुट दीवार मोटी है। यहाँ समझ आएंगे आवाज़ गूंजती है क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। और जैसे कि आपने हमारी जलमाना की वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी जो मस्जिद थी पुरानी वाली उसकी भी सेम स्ट्रक्चर था ऐसे ही। ये सब फिलहाल वक्त के साथ में ये चेंज हो गया है, ये पत्थर वगैरह लगे गए हैं भाई समय के साथ में, थोड़ा शोभा लगती है, आजकल आदत सी हो गई, ट्रेंड हो गया है ये सब चीज़ें लगाने का। अदरवाइज सब कुछ अंदर पुराना है, वही छोटी ईंटें हैं, गारा से या आपकी चूने से चिनाई होती थी जैसे कि पहले, वो सब है इधर। ये खिड़की तो बेशक बाद में लगी, लेकिन अंदर ये आला पहले से ही था, खिड़की थी हाँ, इस तरीके से लगाई। ठीक है ठीक है, पंखा रहने दीजिए, आवाज़ होगी, बंद ही करते हैं। इसमें कभी इसको देखने इस जगह को कहाँ कहाँ से दूर दूर से भी लोग आए हैं जी, कोई ध्यान है? आए पाकिस्तान से भी आए। अच्छा, जो पुराने जो इस गांव से गए हैं? जी, इस गांव से गए हैं। हाँ, तो वो आके उन्होंने यहाँ देखा, चारों तरफ मिले भी, मुलाकात भी करी लोगों से। जी, लोगों से मुलाकात करी। अच्छा, अपने घर भी बताए, अपनी ज़मीनें बताई। अच्छा, अब तक याद था उनको? हाँ, सारा याद है उनको कि हमारी ये फला ये हमारा महल्ला था। हाँ, हमने फला को बसाया यहाँ से। हाँ, ये सब उन्होंने बताया। उन्होंने बताया जी, उनके सब जज्बात ये सब ताज़ा हो गए। उसकी इस मस्जिद के बारे में कि मैं भी कुछ कभी बताया हो किसी ने थोड़ा बहुत कि हम बस इस मस्जिद के बारे में तो इतना ही बताया कि ये कुरैशियों की मस्जिद थी। जी, और यानी इन रांगड़ों में जो है ना कि ये अलग से बस था, अलग से अलग महल्ला, रांगड़ों की मस्जिद अलग थी, कुरैशियों की हमारी ये अलग थी। एक चीज़ बताइए, जैसे हमारी मेन जो बिरादरी थी यहाँ पर, एक तो रांगड़ थी जी, उसके बाद कुरैशी थे, फिर
असल में बिरादरी हैं, हाँ कम थे वो, तो सिर्फ तीन चार घर होंगे। अच्छा, तीन चार ही घर थे हमारे कुरैशियों के। हाँ, क्योंकि जो जो रांगड़ों की मस्जिदें थी, बाकी जो थे वे शायद बड़े बड़े थे, हमने इसीलिए देखा, ये शब्द से छोटी थी जी जी। और ये देख लीजिए आप एक बार फिर से व्यू, तो देखिए दोस्तों ये है मस्जिद रमजान, और जो कि कुरैशी मोहल्ले में स्थित है। कभी यहाँ पर कुरैशी मोहल्ला हुआ करता था जुंडला में, आज समय के साथ सब इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चेंज हो गया है। और ये थी हमारी एक छोटी सी विजिट इस कुरैशी मोहल्ले में, जुंडला में।